नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के नवादा गांव में दिवाली की रात पटाखों से होने वाले शोर शराबे के बीच अपराधियों ने एक ही परिवार के सात सदस्यों पर अंधाधुंध फायरिंग कर खूनी खेल को अंजाम दे दिया। इस अंधाधुंध फायरिंग की घटना में परिवार के दो सदस्यों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि पांच लोग घायल हैं, जिसे इलाज हेतु अनुमंडलीय अस्पताल दलसिंहसराय में भर्ती कराया गया, जहां से घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के नवादा पंचायत के आईबी रोड स्थित चाय दुकानदार सुमित कुमार राय के घर में शनिवार 14 नवम्बर 2020 की देर रात दर्जनों हथियारबंद अपराधी घुस गए तथा गोलियों की बरसात शुरू कर दी। गोलीबारी की इस घटना में 60 वर्षीय महिला हिलिया देवी तथा 8 वर्षीय अस्मित कुमार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि गोली लगने से 3 महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में खुशबू कुमारी की स्थिति नाजुक बनी हुई है, वहीं पूजा कुमारी, राकेश कुमार सहित अन्य दो का इलाज शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना को अंजाम देने के इस तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों की मंशा लूटपाट की नहीं थी, वे पूरे परिवार की हत्या करने की सोचकर ही आया था। घटना को अंजाम देने का तरीका आपसी दुश्मनी की ओर भी इशारा करता है। वैसे भी अब यह जांच का मामला है। घटना की सूचना पर एसडीपीओ दिनेश कुमार पांडे, थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्र सदल बल अस्पताल तथा घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गए हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। दरभंगा रेफर करेगा, जो भी होगा वही रेफर नहीं करना, सदर ले जाइए, सीधा सीधा सदर ले जाइए, भी आप बात कराइए, टेस्ट कराइए। आप गोली मार दिया।